दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप धन ऐप का यूज करके बड़ी आसानी से ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में, मैं पहले बता देता हूं कि ब्रैकेट ऑर्डर कहां लगाए जाते हैं और ये आपको बेनिफिशियल कैसे होता है। तो ब्रैकेट ऑर्डर बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप लोग करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा काम आता है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप किसी शेयर को बाय करते हैं, मान लीजिए तो बाय करते हुए आप ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं, मान लीजिए आपने किसी शेयर को 100 रुपए पे खरीद रहे हैं, तो आप उस ब्रैकेट ऑर्डर में ये भी स्पेसिफाई कर देते हैं कि अगर ये शेयर बाय चांस नीचे जाता है तो कितने पर जाने पे आपका शेयर वो अपने आप बिक जाए, यानी कि आप अपना जो लॉस है उसको लिमिट कर देते हैं। साथ में आप ये भी लगा देते हैं कि कितनी ऊपर तक वो शेयर जाएगा तो वो अपने आप बिक जाए, यानी कि आप अपना प्रॉफिट भी एक सेट कर देते हैं कि अगर इतना प्रॉफिट आपको होगा तो आप इस शेयर से निकल जाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं कि आप कैसे धन की ऐप यूज करके ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने धन ऐप ओपन कर लिया और मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कोई भी बास्केट ऑर्डर लगा सकते हैं और साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि बास्केट ऑर्डर का फायदा आप लोगों के लिए क्या होता है। तो यहां पर दोस्तों अगर आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो या तो आप यहां पर इसके वॉच लिस्ट में अपने शेयर ढूंढकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें ऐड भी कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर जाके सर्च करके किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम HFCL का शेयर यहां पर ले लेते हैं जिसमें हम बाय या सेल यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों हमने HFCL का शेयर ओपन कर लिया तो ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा, बाय पे हमने क्लिक किया। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ट्रेडिंग फॉर इंट्राडे या फिर इन्वेस्टिंग फॉर डिलीवरी। जो ब्रैकेट ऑर्डर है वो सिर्फ इंट्राडे में ही ऑप्शन आपके पास आती है। तो यहां पर हम इंट्राडे पे आते हैं, बास्केट ब्रैकेट ऑर्डर पे हमने यहां पर क्लिक किया है। तो यहां पर दोस्तों आप समझने की कोशिश करिएगा कि ब्रैकेट ऑर्डर होता क्या है और ये आपको हेल्प कैसे करता है। तो प्राइस यहां पर हमने मार्केट प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी तरफ से मैन्युअली प्राइस लगा सकते हैं। हम यहां पर मार्केट प्राइस यहां पर इसमें लगा देते हैं। अब यहां पर होने क्या वाला है कि हमने यहां पर सिलेक्ट किया है कि ये जो HFCL का शेयर है ये 68.5 रुपीस में हम लोग यहां पर बाय कर लें एक क्वांटिटी। अब यहां पर दो ऑप्शन आपके पास ब्रैकेट ऑर्डर में आते हैं, पहला है टारगेट और दूसरा है स्टॉप लॉस। तो टारगेट का बेसिकली मतलब हो गया कि इस प्राइस से कितना ऊपर ये शेयर जाएगा तो ये शेयर आपका अपने आप सेल हो जाएगा अगर आप बाय ऑर्डर लगा रहे हैं, यानी कि अभी 68.5 पे चल रहा है। अगर मैं यहां पर टारगेट को 2 रुपीज के आसपास सिलेक्ट कर लेता हूं, ये यानी कि 70.5 के आसपास जब भी ये जाएगा तो आपका शेयर अपने आप सेल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहां पर आपको स्टॉप लॉस भी साथ में लगाना होता है। तो यानी कि मान लीजिए मैं यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 50 पैसे का यहां पर लगा लेता हूं, तो अगर ये शेयर 50 पैसा से ज्यादा नीचे गया तो आपका शेयर ये अपने आप यहां पर सेल हो जाएगा, यानी कि 68.5 पे चल रहा है, 68 पे ये शेयर आएगा तो ये अपने आप सेल हो जाएगा। तो ब्रैकेट ऑर्डर एक ट्रेडर को एक क्वेश्चन देता है कि अगर स्टॉप लॉस नीचे के लेवल पे जाएगा तो आपका जो लॉस है वो भी यहां पर लिमिट हो जाएगा और ऊपर लेवल पे जाएगा तो आप एक टाइमली अपना प्रॉफिट भी बुक कर पाए। तो यहां पर मैंने इसको सिलेक्ट करके ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया और आप देखेंगे मेरा ऑर्डर एक्सचेंज पे चला गया है और यहां पर सक्सेसफुल भी हो गया है। तो ऐसे दोस्तों आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा के अपने प्रॉफिट्स को भी इंश्योर कर सकते हैं और साथ में नीचे अगर शेयर जाता है तो आप अपना जो लिमिट है उसको भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर अभी तक धन ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर कर सकते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।